हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी विद सिविल बॉडी में। मैं हूँ अमित सिंह भदौरिया, तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज की क्लास में बिल्डिंग मटेरियल्स के जो एडवांस क्वेश्चन है कुछ वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की जो क्लास होगी उसमें बिल्डिंग मटेरियल्स के टिम्बर के क्वेश्चन होंगे और टिम्बर के साथ में जो पुराने क्वेश्चन हमने किए हैं उनका भी हम साथ में रिविज़न करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आज की जो क्लास है उसे हम स्टार्ट करते हैं। रिवीजन थ्री क्वेश्चंस बिल्डिंग मटेरियल, ये है हमारा लेक्चर नंबर थ्री। और इस लेक्चर में पहले हम करने वाले हैं टिम्बर के क्वेश्चन, टिम्बर के बाद में जो बाकी के जो हमने क्लासेस अभी लिए हैं या बाकी के जो टॉपिक्स किए हैं उनको भी हम रिवाइज करने का कोशिश करेंगे। साथ ही साथ में एक चीज़ और ध्यान रखना, अब जो नेक्स्ट क्लास होगी लेक्चर नंबर जो फोर होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चंस के लेवल के अगर हम बात करते हैं ना, क्वेश्चंस का जो लेवल होगा वो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में ना एडवांस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा नेक्स्ट वाला लेक्चर भी आपके लिए। ठीक है, चलिए तो आवाज़ वगैरह प्रॉपर है, सब कुछ सही है तो एक बार कमेंट करके बता दो। गुड मॉर्निंग एवरी वन, गुड मॉर्निंग। PDF जो है वो किसी वजह से मैं भेज नहीं पाया था, और ट्राई करूँगा कि आज आपको PDF मिल जाए, आज प्रोवाइड करवा देंगे ना। कमलेश जी गुड मॉर्निंग। ठीक है प्रशांत, PDF मिल जाएगी आपको, बताइए। तो अगर सब कुछ ठीक है तो मैं स्टार्ट करूं आज का सेशन। तो पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन, क्या आप रेडी हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए? विजय कुमार मीणा जी गुड मॉर्निंग, हाँ ना में जवाब दो फटाफट। मोनिका जी गुड मॉर्निंग। चर चर की आवाज़ आ रही है या फिर टी टी की आवाज़ आ रही है, बताओ पहले आवाज़ किसकी आ रही है, चर चर की टी टी की? ओके, लाइट नहीं है ना, OBS के थ्रू चल रहा है। चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखते कब तक चलती है क्लास, चलाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज यील्ड्स हार्डवुड, ऐसे कौन से जो ट्री हैं इनमें से ऑप्शंस में से जो हार्डवुड हमें देते हैं। चलिए हार्डवुड का क्वेश्चन है, बताइए हार्डवुड का क्वेश्चन है, बताइए जवाब दीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर वन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर वन आपकी स्क्रीन पर बताइए। देवदार है, चीर है, सीसम है और पाइन है। ठीक है ना, देवदार है, सीसम है, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। जो करेक्ट आंसर है इसका, चार ऑप्शन आपके पास में, फटाफट बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर है इसका सी, करेक्ट, सॉरी करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। सी मतलब कि सीसम, सीसम इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो काफी लोगों ने आंसर भी क्या दिया है, सही दिया है। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन आया है हार्डवुड का, तो अब यहाँ सवाल ये बनता है कि सर हार्डवुड का अगर क्वेश्चन है ये, इसका आंसर तो सीसम है, लेकिन सीसम के अलावा और कौन से ट्रीज हैं जो कि हमें हार्डवुड देते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। चलिए तो अब बात करें तो सबसे पहले तो देखिए ध्यान से कि एक तो होता है आपके पास में टीक, ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपके पास में होता है सीसम का, ठीक है ना, सीसम हो सकता है, ठीक है ना, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीसम क्योंकि सीसम एग्जाम में पूछा जाता है। तीसरा आपको अगर और नहीं है ऑप्शन में तो साल हो सकता है, ठीक है, साल नहीं है तो ओक हो सकता है, ठीक है। ये जो है तीन चार नाम जो मैं बता रहा हूँ, ये चारों नाम बताएं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हार्डवुड के केस के लिए, हार्डवुड इनसे हमें मिलती है। अब सवाल बनता है कि सर सॉफ्टवुड कहाँ से मिलती है, तो सॉफ्टवुड बग के बच्चे वो ऑप्शन सॉफ्टवुड के हैं, देवदार ये जो आपके ऑप्शन होते हैं उनके हिसाब से अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवुड की, सॉफ्टवुड में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके यहाँ देखना है चीर पाइन, ये दो ऑप्शन ऐसे हैं जो आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे सॉफ्टवुड के केस में, ठीक है, इनका याद रखना। अब सवाल बनता है कि सर सॉफ्टवुड में और हार्डवुड में है जो ग्रोथ जो होती है वो ग्रोथ किस में ज़्यादा होती है ना, सॉफ्टवुड की ग्रोथ फास्टर होती है या हार्डवुड की होती है? तो फास्टर ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं, फास्टर ग्रोथ सॉफ्टवुड की होती है ना, जल्दी ग्रो होते हैं सॉफ्टवुड। चलिए क्वेश्चन नंबर टू आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर टू आपकी स्क्रीन पर, द रेडियल स्प्लिट विच आर वाइडर ऑन द आउटसाइड ऑफ द लॉग एंड नैरो टुवर्ड्स द पिथ आर नोन एज। तो ऐसे टिम्बर है ना, ऐसे टिम्बर या ऐसी लकड़ियां जिनके अंदर क्या होता है रेडियल स्प्लिट जो होता है वो वाइडर होता है आउटसाइड द लॉग, और जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ जाते हैं, पिथ की तरफ जाते हैं, तो नैरो हो जाता है ना। तो मान लो अगर ये लॉग था तो ये कुछ ऐसा ऐसा केस बता ऐसा कुछ हम बता रहे हैं ऐसा कुछ बता रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा कुछ है ये जो मैंने हैच किया है। तो ये किस केस में होता है, हार्ट शेक में होता है, कप शेक में होता है, स्टार शेक में होता है, रिंग वॉल्व में होता है, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। तो करेक्ट आंसर बता रहे हैं सी, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन आएगा किसका, स्टार शेक का। देखो दो ही चीजें होती है, एक तो हर्ट शेक होता है, स्टार शेक होता है। मैंने कहा था हर्ट के से याद रखना, अपने दिल से, दिल टूटता है तो अंदर से टूटता है ना, अंदर दर्द होता है बहुत ज्यादा, आंतरिक आंतरिक रूप से क्षति होती है उसमें, ठीक है। तो सेंटर पर अगर वाइडर होता है तो हर्ट का कहलाता है, अगर आउटर साइड में वाइडर होता है क्रैक तो उसे स्टार शेक कहते हैं। ओके चलिए
बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर थ्री आपकी स्क्रीन पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ ट्रीज यील्ड सॉफ्टवुड, बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो अभी मैंने आपको आइडिया भी दिया है, उस आइडिया से आपको आइडिया लग जाएगा क्या किस तरह से हम इनको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हार्डवुड का क्वेश्चन हो या सॉफ्टवुड का क्वेश्चन हो। अब क्वेश्चन सॉफ्टवुड का है, क्वेश्चन नंबर थ्री बताइए। क्वेश्चन नंबर थ्री जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या आंसर होगा इसका, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अभी भी मैंने कहा कि चीर और देवदार सॉफ्ट में आते हैं, ठीक है ना, चीर और देवदार सॉफ्ट में आएंगे। चीर हो गया, पाइन हो गया, है ना, देवदार हो गया, ये सभी किस में आते हैं, सॉफ्टवुड में आते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग टिम्बर इज सुटेबल फॉर मेकिंग स्पोर्ट्स गुड, ऐसे कौन से टिम्बर होते हैं जिनसे स्पोर्ट्स गुड बनाए जाते हैं, यानी स्पोर्ट्स का सामान बनाया जाता है। चिड़िया बल्ला बना रहे, क्रिकेट बैट बना लिया है आपने, खेलने कूदने का कोई सामान बना लिया, तो स्पोर्ट्स गुड्स किससे बनते हैं, मलबरी से बनते हैं, साल से बनते हैं, देवदार से बनते हैं, किससे बनते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि ये आपने अगर किसी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं PYQs, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिला होगा अलग अलग कंपटीशन एग्जाम्स में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि जो मलबरी होता है, इस मलबरी से क्या होता है, मलबरी जो होता है मलबरी से बनाए जाते हैं आपके स्पोर्ट्स गुड, ठीक है। ये स्ट्रांग होता है, टफ होता है और इलास्टिक भी होता है, ठीक है, और इसकी सीजनिंग वेल सीजनिंग भी हो सकती है आराम से। तो टेनिस के रैकेट, क्रिकेट का बैट, है ना, हॉकी स्टिक्स, ये सभी चीजें इससे बनती है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओके। अगर आप चाहते हैं, जो अगर आपने नहीं देखे हैं नोट्स वगैरह, तो उसमें मैंने जो टिम्बर वाला चैप्टर आपको करवाया था, टिम्बर वाले चैप्टर में आपको ये एक टेबल भी मैंने दी थी, याद हो तो मैंने मतलब पॉइंट्स वाइज बताया था, मैंने कहा कौन सी चीज़ें किस काम में आती हैं और कहाँ कहाँ इनका यूज़ होता है ना, यूजेज जो होते हैं टिम्बर के, वो भी बताए थे मैंने, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, मैं आपको टिम्बर वाले चैप्टर को मैं बता देता हूँ फिर से, टिम्बर वाला जो चैप्टर उसको मैं रिवाइज थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, है ना, टेंशन मत लो। अभी क्वेश्चन जो हैं टिम्बर के काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, यूजेज वाले मिल जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ वाले मिल जाते हैं, है ना। देखो ये टिम्बर में मैंने आपको बताया था कि एक तो डिफरेंस बताया था कि सॉफ्टवुड और हार्डवुड का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, दोनों के बीच में कंपैरिजन पता होना चाहिए, कंपैरिजन के काफ़ी क्वेश्चन मिलते हैं। कुलदीप यार, नोट्स आपको वेबसाइट में मिलेंगे स्टडी विजिबिलिटी की, ठीक है। फिर इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये सेल स्ट्रक्चर, ये आपको ये पता होना चाहिए ना, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से जानकारी हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इसके स्ट्रक्चर से, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आता है टिम्बर का, स्ट्रक्चर के अलावा फिर आता है इनके यूजेज के बारे में, यूजेज, इनकी सीजनिंग होती है, तो सीजनिंग के क्या होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है, वो पता होने चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इस ये वाली चीज़ें जो लेक्चर अवेलेबल है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर अवेलेबल, उन्हें आप जरूर देखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, तो इनको आप जरूर देख लेना एक बार, ठीक है। ये वाली जो पोर्शन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसके काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है, ये जरूर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें जो आपके अलग अलग तरह के डिफेक्ट होते हैं, उन डिफेक्ट को जरूर पढ़ लेना, ये डिफेक्ट से क्वेश्चन जरूर आता है, ओके। चलिए अभी क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव में चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द डिजीज ऑफ ड्राई रोट इन टिम्बर इज कॉज बाय, जो डिजीज होती है ड्राई रोट, है ना, डिजीज ऑफ ड्राई रोट जो होती है आपके टिम्बर में, वो किसकी वजह से होती है, लैक ऑफ वेंटिलेशन, अनटिलेट वेट एंड ड्राई कंडीशन, कंप्लीट समर्स इन वाटर, या नन ऑफ दी अबो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को मिलते हैं, ये रॉट वाले क्वेश्चन हो गए या डिजीज वाले जो क्वेश्चन होते हैं या डिफेक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये भी आपको पता होने चाहिए। बताइए, क्वेश्चन नंबर फाइव आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर फाइव आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर फाइव का, क्वेश्चन नंबर फाइव का करेक्ट आंसर जो होने वाला है वो होगा ए, लैक ऑफ वेंटिलेशन। वेंटिलेशन के लैक की वजह से क्या होता है, ड्राई रोट आपके क्या होता है, डेवलप होता है, ठीक है ना। ड्राई रोट होता क्या है, ड्राई रोट में क्या होता है मित्रों, कि आपकी जो लकड़ी है, जो वुड है, वो कन्वर्ट हो जाती है ड्राई पाउडर फॉर्म में, है ना, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये किसकी वजह से होता है, ये डिफेक्ट है, ये क्या है, ये डिफेक्ट है, वो डिफेक्ट है जो फंगी की वजह से हो रहा है, किसकी वजह से, फंगी इसके लिए उत्तरदायी है, फंगी की वजह से होता है ये, ठीक है। ड्राई रोट होता है, वेट आपके हर्ट रोट होता है, सेप स्टेन होता है, वेट स्टोन, वेट स्टेन वगैरह होते हैं, वाइट रोट वगैरह जो होते हैं, ब्राउन रोट होता है, ब्लू स्टेन होता है, ये सभी के सभी फंगी की वजह से होने वाले क्या हैं, ये डिफेक्ट है। तो ये जो मैं नोट्स जो आपको बता रहा हूँ, इसमें ये ऑलरेडी कवर किया हुआ है, ठीक है ना, डिफेक्ट ड्यू टू फंगी जो लिखा हुआ है, तो इसमें डिफेक्ट जो होते हैं फंगी की वजह से सारे मेंशन है, ठीक है। तो वीडियो अवेलेबल है, आराम से देख सकते हो आप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स में चलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम, जो टिम्बर की जो स्ट्रेंथ होती है वो किस डायरेक्शन में मैक्सिमम होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में ही पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है।
चलिए बताइए, पैरेलल टू द ग्रेन, 45 डिग्री टू द ग्रेन, या परपेंडिकुलर टू ग्रेन, या सेम इन ऑल डायरेक्शन, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, तो पैरेलल टू द ग्रेन जो है वो टिम्बर की स्ट्रेंथ क्या होती है, मैक्सिमम होती है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट भी हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। द ट्रंक ऑफ ट्री लेफ्ट आफ्टर कटिंग ऑल द ब्रांचेज इज नोन एज, क्वेश्चन नंबर सेवन बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, द ट्रंक ऑफ ट्री लेफ्ट आफ्टर कटिंग ऑल द ब्रांचेज इज नोन एज, क्या कहा जाता है उसे? तो उसे कहा जाता है लॉग। क्या कहते हैं उसे? लॉग कहते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रीज जो टिम्बर वाला जो चैप्टर है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी का कलेक्शन है। सभी क्वेश्चन एकदम अच्छे हैं, ठीक है, अच्छे से आपको समझने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्लाईवुड इज मेड बाय बॉन्डिंग टूगेदर थिन लेयर ऑफ वुड इन सच ए वे दैट द एंगल बिटवीन ग्रेन्स ऑफ एनी लेयर टू ग्रेन ऑफ एडजेसेंट लेयर इज, तो जब प्लाईवुड बनाई जाती है प्लाईवुड जब बनाई जाती है तो उस प्लाईवुड को जब एक लेयर को दूसरी लेयर पर रखा जाता है तो ग्रेन की जो ग्रेन के बीच में जो एंगल बनता है ना, वो एंगल कितना होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको इस तरह से मैनेज किया जाता है कि एक लेयर के ऊपर दूसरी जब लेयर रखी जाए तो उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बने ग्रेन्स के बीच में, कितना? 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब सवाल ये आता है कि 90 डिग्री पर जो प्लाईवुड के जो बोर्ड है इनको जब रखा जाता है तो इनसे फायदा क्या होता है? इनसे फायदा ये होता है कि जो स्ट्रेंथ होती है वो स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म डेवलप होती है उससे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। दी प्लाईवुड, प्लाईवुड का क्वेश्चन है नेक्स्ट अगेन। दी प्लाईवुड, चार ऑप्शन है आपके पास में, हैज गुड स्ट्रेंथ अलोंग द पैनल ओनली, कैन बी स्प्लिट इन प्लेन ऑफ द पैनल, हैज ग्रेटर इंपैक्ट रेजिस्टेंस टू ब्लोन देन ऑर्डिनरी वुड, कैन नॉट बी बेंट मोर इजिली देन ऑर्डिनरी वुड ऑफ सेम थिकनेस। तो इनमें से प्लाईवुड का कौन सा इनमें से क्या है, एक क्या है, एक प्रॉपर्टी है? क्वेश्चन नंबर नाइन, तो ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम सही है। इसमें लिखा हुआ है हैज ग्रेटर इंपैक्ट रेजिस्टेंस टू ब्लोन देन ऑर्डिनरी वुड। ऑर्डिनरी वुड के अगर कंपैरिजन में आप बात करते हो तो इसकी इंपैक्ट रेजिस्टेंस इसका क्या बेटर होता है। अब ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है। क्यों गलत है? इन्होंने बोला है कि पैनल जो होते हैं ना, पैनल, सिर्फ पैनल में गुड स्ट्रेंथ होती है, ये बात गलत हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, एकदम करेक्ट है, सभी बच्चों का सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर टेन है, अब ये वाला देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर कौन करेक्ट बताता है, किसको इसको ये याद है। फर्स्ट क्लास टिम्बर हैज एन एवरेज लाइफ ऑफ, एवरेज लाइफ कितनी होती है बताइए फर्स्ट क्लास की। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कौन होगा। 10 का सबसे पहले सुनील बैरवा बता रहे हैं, फिर पंकज जी ने बताया है, और हिमांशु जी, अवलेश मीणा जी, बिल्कुल बिल्कुल एकदम करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर आएगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन 10 ईयर, 10 सालों से ज्यादा उम्र होती है किसकी, फर्स्ट क्लास टिम्बर की। ऑप्शन में क्या होता है, लगभग आपको जब एवरेज ईयर में ना मिलकर के मंथ में भी मिलती हो तो 120 मंथ का ऑप्शन भी आता है ऑप्शन में, ठीक है ना, 120 मंथ का, तो वो भी ध्यान रखना है ना, 120 मंथ का ऑप्शन भी आ जाता है कई बार। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर है उसका कोड कौन सा है, तो IS कोड जो है जिसके बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं टिम्बर का, वो है 399 नंबर का, है ना, 399, IS 399 है। अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की कि टिम्बर का क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पर होता है, तो पहला जो बेसिस है वो है जो स्ट्रक्चरल ग्रेडिंग होती है उसके बेसिस पर, ठीक है। दूसरा जो जैसे ग्रेडिंग के बेसिस पर अगर मैं बात कर, जैसे आपकी जो ग्रेडिंग होती है, ग्रेडिंग के बेसिस पर क्लासिफिकेशन होता है, उसमें स्ट्रक्चरल ग्रेडिंग होती है, ग्रेडिंग में अलग अलग टाइप होते हैं, कॉमर्शियल ग्रेडिंग होती है, कॉमर्शियल मतलब ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, इस तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं। एक होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन होता है, उसमें भी ग्रुप्स बने हुए होते हैं, ठीक है। इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पूछता, लेकिन हाँ इतना जरूर पूछते हैं कि आपका कोड कौन सा है ना, कोड पता होना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि यहां पर लिखा हुआ है फर्स्ट क्लास टिम्बर के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए फर्स्ट क्लास टिम्बर नहीं है, सेकंड क्लास है या थोड़ा लो क्वालिटी का है, तो उस केस में कितनी एज होगी, ठीक है ना, उस केस में कितनी एज होगी, तो उसका भी देख लेते हैं। देखो तीन तरह की वुड होती है आपके पास में, तीन तरह की वुड होती है। फर्स्ट होती है हाई वुड, बेटर क्वालिटी की, हाई क्वालिटी की वुड, उसकी 120 मंथ के आसपास होती है, ठीक है। मॉडरेट में कितनी होती है, 60 से लेकर के 120 मंथ, यानी 5 से लेकर के 10 साल। और जो लो क्वालिटी की जो होती है वुड, उसकी 5 साल से क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना, 5 साल से क्या होगी, कम होगी, 5 साल से कम उम्र होती है। तो 5 से कम, 5 से 10 और 10 से ज्यादा, ठीक है, 3 कैटेगरीज हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, फाइबर सेचुरेशन पेंट ऑफ टिम्बर इज द मॉइस्चर कंटेंट इन परसेंटेज वेन, क्वेश्चन नंबर है आपका 11,
क्वेश्चन नंबर 11, चलिए बताइए, फाइबर सैचुरेशन पॉइंट है वो, ठीक है, बताइए करेक्ट आंसर, बताइए क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए, ठीक है, यहां पे क्या है, टाइपिंग की वजह से पेंट लिख दिया है, पॉइंट है ना, बताइए क्वेश्चन नंबर 11, तो करेक्ट आंसर 11 का जो है, करेक्ट आंसर है वो बी, और बहुत सारे बच्चों ने बी ऑप्शन दिया भी है, ठीक है। देखिए फाइबर सैचुरेशन पॉइंट होता है टिम्बर में, वो होता है जहां पर आपके सेल वॉल जो होती है वो तो सैचुरेटेड होती है ना, और जो सेल कैविटी होती है उन कैविटीज में कोई भी पानी नहीं होता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि जो आपके फाइबर सैचुरेशन पॉइंट होता है वो कौन सा होता है, कब होता है, वाटर जो है कहां अवेलेबल होता है, कहां अवेलेबल नहीं होता, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, ठीक है, समझना। देखो क्वेश्चन क्या है, आपको दिया हुआ है कि अपसेट जो है, अपसेट क्या होता है उसके आगे लिखा हुआ है, फिर फॉक्सीनेस क्या होता है उसके आगे लिखा हुआ है, स्टार सेक क्या होता है उसके आगे लिखा हुआ है, मतलब आपको स्टेटमेंट देखने और फिर आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है, ठीक है ना, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है ये। चलिए अब शायद दिख रहा होगा पूरा क्वेश्चन आपको, ठीक है, डिफेक्ट का क्वेश्चन है, जो डिफेक्ट होते हैं अलग अलग उसके आगे, वहां पर डिफेक्ट के आगे आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा करेक्ट होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बताइए बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए अगर ऑप्शंस की बात करते हैं, ऑप्शंस की बात करते हैं तो यहां लिखा हुआ है अपसेट्स, है ना, अपसेट लिखा हुआ है ड्यू टू ओवर मैच्योरिटी एंड अनवेंटिलेटेड स्टोरेज ऑफ वुड, ठीक है, ये अपसेट के बारे में लिखा हुआ है, और आपके एक लिखा हुआ है स्टार्ट से केवर फॉक्सिनेस है, मतलब आपको स्टेटमेंट पढ़ने और बताना है, फिर मैं बताता हूं। देखो करेक्ट ऑप्शन मैं बताता हूं, पहले आप देख लो बता करके, देखो करेक्ट आंसर जो है वो तो है इसका बी, यानी कि थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन जो है ये एकदम करेक्ट है, यानी स्टार सेक के बारे में लिखा हुआ है, रेडियल स्प्लिट वाइडर एट द सर्कमफेरेंस एंड डाइमेंशनिंग टुवर्ड द सेंटर, स्टार में अभी थोड़ी देर पहले हमने ये देखा था, और हर्ट में क्या होता है, क्रैक्स वाइडर एट द सेंटर एंड डाइमेंशनिंग टुवर्ड द आउटर सर्कमफेरेंस, ठीक है, तो ये दोनों की दोनों बातें एकदम सही है। अब बात आती है किसके बारे में, फॉक्सीनेस के बारे में, और आपके बात आती है अपसेट्स के बारे में, तो ये क्या है, अगर आपसे कोई पूछ रहा है क्या, ये डिफेक्ट है, क्या है, ये डिफेक्ट है, इन डिफेक्ट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब फॉक्सीनेस जो होता है, फॉक्सीनेस क्या होता है, फॉक्सीनेस एक आपके डिफेक्ट होता है ड्यू टू पुअर वेंटिलेशन ड्यूरिंग स्टोरेज, ठीक है, तो पुअर वेंटिलेशन की वजह से होता है। तो अगर मैं ये कहूं कि फॉक्सीनेस जो है, फॉक्सीनेस का ऑप्शन ये गलत है, तो एकदम गलत है, ये फॉक्सीनेस जो हो रहा है वो पुअर वेंटिलेशन की वजह से होता है, ठीक है। अपसेट क्या होता है, अपसेट के केस में क्या होता है कि आपकी जो वुड है ना, वो वुड की जो शेप जो होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है ना, अपसेट की वजह से, जो आपके जो फोर्सेस लगते हैं उन फोर्सेस के थ्रू ये होता है, ये किसके केस में आता है, वो अपसेट के केस में आता है। तो कुल मिला के बात ये है कि आपके जो चार ऑप्शन है उनमें से दो ऑप्शन करेक्ट हैं, इनके पीछे की पूरी कहानी आपको पता होनी चाहिए, और नहीं है अगर आइडिया तो यहाँ पर ये डिफेक्ट दिए हुए हैं, इन डिफेक्ट के बारे में एक बार जरूर आप देख लेना कि फॉक्सीनेस जो होता है, फॉक्सीनेस क्या होता है, आपके ड्रॉक्सीनेस क्या होता है, रिंगोल जो बनते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, स्टार्ट सेक की शेप कैसी होती है ना, हार्टवुड की, हार्टवुड जो होता है वो कहाँ होता है, अलग अलग जो डिफेक्ट हैं उन डिफेक्ट के बारे में एक बार आप जरूर देख लेना, ठीक है ना, ट्विस्ट कैसे जनरेट होते हैं, ट्विस्ट के बारे में पढ़ना, डेड नोट क्या होते हैं, लाइव नोट क्या होते हैं, नोट क्या होते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कोई कि जो फोर आपके अलग अलग जो डिफेक्ट होते हैं, डिफेक्ट कितने टाइप के होते हैं, तो वुड में टोटल पांच टाइप के डिफेक्ट होते हैं, डिफेक्ट ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस, डिफेक्ट ड्यू टू आपके इंसेक्ट, या डिफेक्ट ड्यू टू फंगी, और डिफेक्ट ड्यू टू सीजनिंग, और डिफेक्ट ड्यू टू कन्वर्जन, तो इन पांच टाइप के आपके डिफेक्ट होते हैं, इन डिफेक्ट के बारे में नॉलेज रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इनके बारे में पूरा का पूरा डिटेल में क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन बनते हैं ना हर एग्जाम में, मतलब ये टिम्बर अगर कहीं सिलेबस में है तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो इनके बारे में जरूर आप देख के जाना, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्लाईवुड इज प्रेफर्ड टू थिन प्लैंक ऑफ टिम्बर बिकॉज ऑफ, टिम्बर जो है उस टिम्बर का जहाँ भी यूज हो रहा है, वुड का यूज हो रहा है, वहाँ पर हम प्लाईवुड को थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्यों देते हैं प्लाईवुड को प्रायोरिटी, चार ऑप्शन है आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 13, प्लाईवुड को प्रायोरिटी देने का एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो स्ट्रेंथ अच्छी होती है, डायमेंशनल स्टेबिलिटी होती है, दोनों के दोनों डायरेक्शन में उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, सेम होती है, चाहे लेटरल डायमेंशन की बात करें या लॉन्गिट्यूडनल की बात करें, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ये एक नंबर जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट होगा, तो 13 का ए आएगा। पंकज नरेडा जी बहुत बढ़िया, अबलेश मीणा जी, ओनली आर एस एम एस एस बी जे, गिरिराज प्रसाद, तपेंद्र वर्मा, दीपक
जी गलत कर दिया आपने, डिंपल एकदम सही है, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, ठीक है। लिस्ट वन में क्या है, लिस्ट वन में आपके पास में क्या है, टर्म्स दी हुई है, सेफ वुड नॉट शेक रॉट और सेफ टू। अब जो टर्म टू लिस्ट टू है उसमें ब्रीफ डेफिनेशन है, तो आपको बताना कौन सी डेफिनेशन का कहाँ सही मैच है, मैच करना है आपको। चार ऑप्शन नीचे हैं आपके, ढंग से पढ़िए और फिर बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। चार ऑप्शन आपके पास में, बताइए क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सेप क्या, सेप वुड क्या होती है, सेप वुड के बारे में अगर हम बात करें तो आउटर लेयर ऑफ द लॉग ऑफ वुड, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नॉट की, है ना, नॉट क्या होता है, तो नॉट होता है जब आप कभी भी क्या करते हैं किसी भी ब्रांच जो बेस, ब्रांच जो इसके जो बेस होता है वहां से जब उसको कट कर दिया जाता है, तो जो टिम्बर जो होती है उसकी जो नेचुरल ग्रोथ उसके बाद में जब होती है कट करने के बाद में, उसे वहां क्या बनता है, वहां पर नॉट डेवलप होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं शेक की, तो शेक क्या होते हैं, शेक क्या होते हैं, शेक बेसिकली क्या होते हैं कि जब आप सेपरेट करते हैं, सेपरेशन करते हैं अलग अलग लेयर्स के बीच में, तो टिश्यूज जो होते हैं, टिश्यूज के बीच में क्या होता है, डिफेक्ट जनरेट होता है, उनसे क्या बनता है, उनसे शेक डेवलप होता है, ठीक है। रॉट क्या होते हैं, रॉट क्या होते हैं, जब आप फंगी जो होता है ना, फंगी, फंगी क्या करता है, आपके जो लकड़ी है उस लकड़ी को क्या करता है, डिसइंटीग्रेट करता है, खाता है लकड़ी को, तो पाउडर फॉर्म में जनरेट कर देता है, उनकी वजह से क्या होता है, रॉट जनरेट होते हैं, ठीक है ना। अभी जैसे वेट रॉट, ड्राई रॉट, ये सभी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो डी क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट होगा, 14 का आंसर आएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सीजनिंग ऑफ टिम्बर रिजल्ट्स इन, सीजनिंग जो की जाती है टिम्बर की उससे क्या रिजल्ट्स होते हैं, इंक्रीज स्ट्रेंथ, इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी, रेजिलेंस, बताइए बताइए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बताइए, तो रेजिलेंस रिड्यूस होता है, ये बात गलत है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है और ड्यूरेबिलिटी बढ़ रही है, ये बात सही। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर जो सी है वो सी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, गिरिराज प्रसाद, नरेश सैनी, अवलेश मीणा, पंकज नरेड, डिम्पल सोनाली, ओनली आर एस एम, तेजाराम बैरवा, मनोज गुजर, सुनील, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, टिम्बर कैन बी मेड मोर फायर रेजिस्टेंस बाय, अगर आपको फायर रेजिस्टेंस टिम्बर बनाना है तो फायर रेजिस्टेंस टिम्बर बनाने के लिए आपके पास में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डिपिंग एंड स्टिपिंग प्रोसेस, सर एबल्स प्रोसेस, चार्पिंग चेयरिंग प्रोसेस, या हॉट एंड कोल्ड ओपन टैंक ट्रीटमेंट, इनमें से कौन सा ट्रीटमेंट है जिससे कि फायर रेजिस्टेंस टिम्बर जो है वो बनाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, तो सर एबल्स प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की श्रेणी में ये क्वेश्चन आता है, जिससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सर एबल्स प्रोसेस जो होती है ये फायर रेजिस्टेंस अगर आपको टिम्बर बनाना है उसमें ये काम में लिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अमोंग द मोर कॉमन वेराइटीज ऑफ टिम्बर, नेमली साल, मैंगो, देवदार, बताइए इनके अलग अलग जो टिम्बर हैं उनकी वैरायटीज दी हुई हैं, इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट है, उनको आपको पढ़ना है और बताना कौन सा करेक्ट है। साल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, मैंगो इज द लीस्ट ड्यूरेबल, देवदार इज द हाईएस्ट, सॉरी लाइटेस्ट, बताइए। 17, क्वेश्चन नंबर 17 कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर बता रहे हैं पंकज नरेडा जी, गिरिराज प्रसाद, अवलेश मीणा, विश्वेंद्र शर्मा जी, सुनील कुमावत जी, तपेंद्र वर्मा जी, सोनाली मीणा, मोहन कुमावत, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट है, सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। जो साल है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, जो दिए हुए हैं कॉमन जो वैरायटीज के टिम्बर होते हैं वो दिए हुए हैं, उनमें से देखिए अगर आप कंपेयर करते हैं तो मैंगो जो है वो लीस्ट ड्यूरेबल है और देवदार क्या है, लाइट है, सॉफ्ट वुड है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, द वुड प्रिजर्वेटिव क्रिस्टोन क्रिसोट इज डिराइव्ड फ्रॉम, आपको बताना है कि जो वुड होती है वुड को प्रिजर्व करने के क्या होते हैं अलग अलग हमारे पास में क्या है मेथड से प्रिजर्व किया जाता है उनको, है ना, प्रिजर्वेटिव भी यूज लिए जाते हैं, ठीक है ठीक है। तो क्रिसोट जो होता है वो किससे बनाया जाता है, वुड और कोल से बनाया जाता है, एसिटिक क्यूप्राइड क्रोमेट होता है वहां पर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट होगा, क्रोमेट जिंक क्लोराइड होता है, पेंटाक्लोरोफिनोल होता है, क्या होता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 18, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वुड और कॉल, वुड और कॉल जो होता है
वुड और कॉल उसके कॉम्बिनेशन से इनको क्या बना सकते हैं, या उनमें से किसी एक से बना सकते हैं इनको। 194। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 19, ये हमने क्वेश्चन देखे थे टिम्बर के, अब आ रहे हैं पुराने क्वेश्चन। पुराने क्वेश्चन मतलब जो हमने अब तक टॉपिक पढ़ लिए हैं उनका, उनके उन क्वेश्चन को अब लेकर आ रहा हूं मैं, ताकि जो पढ़ा है वो भी याद चलता रहे साथ में, नया टॉपिक ऐड होता रहेगा और पुराना भी याद आता रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर, जवाब दीजिए। आपके पास में दो लिस्ट हैं, दोनों लिस्ट को आपको मैच करना है। लिस्ट वन में आपके स्टोन दिया हुआ है और लिस्ट टू में यूज ऑफ स्टोन है, बताइए कौन सा स्टोन है, किस स्टोन का कहां यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 19 बताइए, 19 का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए, ग्रेनाइट जो होता है, इस ग्रेनाइट का यूज कहां होता है। ग्रेनाइट का यूज हम कर सकते हैं बेलास्ट में, कर सकते हैं ठीक है। और मार्बल जो होता है, इस मार्बल का यूज हम कहां करते हैं, मार्बल का यूज होता है ऑर्नामेंटल वर्क में। चौक का यूज कहां होता है, चौक जो होता है, इस चौक का यूज कहां होता है बताइए। चौक का यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में। अब लेटराइट है, लेटराइट का यूज कहां होगा, तो लेटराइट का एक ही बचता है रफ स्टोन वर्क, तो रफ स्टोन वर्क में होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी, जितने भी बच्चे बता रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ ग्रेनाइट इज इन द रेंज ऑफ दैट। तो कोफिशियंट ऑफ जो एक्सपांशन होता है आपका, किसका, ग्रेनाइट का, ये ग्रेनाइट का किस कैटेगरी में होता है, किसके बराबर होता है, किसके आसपास होता है, किसके रेंज में होता है, ये पूछा जा रहा है बताइए। ग्लास, माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील या बेम्बो, चार ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20। तो ये किसकी रेंज का होता है, ये होता है ग्लास की रेंज का, किसकी रेंज का, ग्लास की रेंज का। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही होगा। अभिलेश मीणा वेरी गुड, मोहन कुमावत, पंकज जी, सुनील कुमावत, रवि सोनवाल, गलत हो गया रवि जी का, आपका गलत हो गया, ओनली आरएसएमएस सही है, बहुत बढ़िया। प्रतीक भाटी वेरी गुड, सचिन मीणा जी, सत्य प्रकाश पुरी वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, द टेक्सचर ऑफ सैंड स्टोन इज, सैंड स्टोन जो होता है, सैंड स्टोन का टेक्सचर कैसा होता है बताइए, सैंड स्टोन का टेक्सचर कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 21, जो सैंड स्टोन होता है, सैंड स्टोन का जो टेक्सचर है वो कैसा होता है। जो नोट्स थे जब मैं क्लास ले रहा था, नोट्स में मैंने ये चीज ऐड करवाई थी, अच्छे तरीके से मैंने बोला भी था इसके बारे में कि ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 21, तो 21 का आएगा ग्रेनुलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है, इस ग्रेनुलर क्रिस्टलाइन इसका क्या होता है, टेक्सचर होता है, ये बताया था। ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर, अकॉर्डिंग टू द रिलेवेंट आईएस कोड द वेट ऑफ टिम्बर इज टू बी रिकॉर्ड एट मॉइस्चर कंटेंट ऑफ, तो जो आपके मॉइस्चर कंटेंट होता है, किस मॉइस्चर कंटेंट पर जो वुड होती है, टिम्बर जो होता है, उसका वेट किया जाता है आईएस कोड के हिसाब से। तो आईएस कोड के हिसाब से जो वेट किया जाएगा, जिस पर पर्टिकुलर जो वेट की बात कर रहे हैं, वो वेट कितने परसेंटेज पर किया जाता है, वो किया जाता है 12% मॉइस्चर पर, कितने पर, 12% मॉइस्चर पर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, द एक्सपांशन एंड श्रिंकेज ऑफ प्लाईवुड्स आर कंपैरेटिवली वेरी वेरी लो एज दे आर हेल्ड इन पोजिशन बाई adhesives, दे आर ग्लूड अंडर प्रेशर, प्लाइज आर प्लेस एट एंगल टू ईच अदर, दे आर प्रिपेयर फ्रॉम विनर्स, कौन सा करेक्ट होगा। 23, क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर होगा कि जो श्रिंकेज ऑफ प्लाईवुड है वो बहुत ही कम होता है। उसका मेन रीजन जो होता है वो होता है, जब इनको बनाया जाता है तो इनको चिपकाया जाता है ग्लू के थ्रू बहुत ज्यादा हाई प्रेशर के साथ में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो, तो बी तो हो जाता है, वो चिपकाया जाता है, ठीक है। तो कई जगह आंसर तो मिलेगा आपको बी, ठीक है, और करेक्ट आंसर होता है इसका सी। तो अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे नोट कर लेना, कई जगह तो आपको मिलता है आंसर बी, लेकिन इसका जो राइट आंसर है ना, जिसकी वजह से श्रिंकेज को डेवलप किया, श्रिंकेज को रोका जाता है और एक्सपांशन को रोका जाता है, उसका मेन रीजन होता है कि इनको जब चिपकाया जाता है तो ये किसी किस एंगल पर होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर, राइट एंगल होता है, यहाँ पे राइट भी होना चाहिए था, ठीक है। तो राइट एंगल होता है ये, असली रीजन जो है वो है राइट एंगल का, है ना, इनके इनको राइट एंगल पर चिपकाया जाता है, वो इसका मेन रीजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर गलती है काफ़ी जगह, इसमें आंसर में गड़बड़ी है थोड़ी सी 23 में, तो 23 में आप थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें गलती मत करना, है ना, कई जगह बी है कई जगह सी है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर इसका सी, ठीक है। चलिए
परपेंडिकुलर डायरेक्शन प्रतीक भाटी, बिल्कुल सही बात है, 90 डिग्री या परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है उसमें इनको क्या किया जाता है, चिपकाया जाता है, साथ में रखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, फॉर गुड बॉन्डिंग इन ब्रिक मेसनरी, ब्रिक मेसनरी में आपके बॉन्डिंग की बात की जाए, फॉर गुड बॉन्डिंग इन ब्रिक मेसनरी, फिर चार ऑप्शन, ऑल ब्रिक्स नीड नॉट बी यूनिफॉर्म इन साइज, बैट मस्ट बी यूज इन अल्टरनेट कोर्सेज ओनली, वर्टिकल द वर्टिकल जॉइंट्स इन अल्टरनेट कोर्स शुड फॉल इन प्लम, या सीमेंट मोर्टार यूज मस्ट हैव सुर्खी एज एडेसिव, क्या एडेसिव होना जरूरी है क्या? क्वेश्चन 24, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? देखिए अगर आपको गुड बॉन्डिंग की अगर आप बात करते हैं मेसनरी में, तो वो कब डेवलप हो सकती है, जब आपके जो वर्टिकल जो जॉइंट्स हैं वो अल्टरनेट कोर्सेज के वो एक ही प्लम लाइन में हो, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मतलब कि अगर आपके जैसे ये अगर कोई स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मेसनरी है और ऊपर तक होगी एक्सटेंड होगी, मैं थोड़ा कम ही ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये अल्टरनेट कोर्सेज जो हैं इनकी जो डायरेक्ट ये जो बॉन्ड्स हैं, जैसे कि मैंने बॉन्ड बनाया है तो वो एक प्लम्ब लाइन में होनी चाहिए, जैसे कि एक प्लम्ब लाइन में देखो ये दोनों आ रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से और भी ऊपर डेवलप हुआ होगा, ठीक है, ऐसा कुछ। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, ए गुड ब्रिक व्हेन इमर्ज्ड इन वाटर बाथ फॉर 24 आवर्स शुड नॉट एब्जॉर्ब मोर देन, तो आपसे बोला गया है कि आपके पास में गुड ब्रिक है, तो गुड ब्रिक जो है 24 घंटे में कितना वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है, ठीक है ना, उससे ज्यादा नहीं करनी चाहिए, तो किस पर्टिकुलर वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू, उसके बारे में आपको बताना है, किससे ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, तो 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट, खुद के ड्राई वेट का 20% से ज्यादा वो पानी एब्जॉर्ब नहीं करनी चाहिए ना, अगर गुड ब्रेक है तो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका, करेक्ट होगा, मैक्सिमम बच्चों का सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, इसमें भी मैच करना है आपको, दो आपके पास में लिस्ट दी हुई है, एक में तो है मेटल और अलॉयज हैं और दूसरा उनका कॉमन जो बिल्डिंग जो इंडस्ट्री है उसमें कहाँ यूज होता है वो है, जैसे स्टील बार का कहाँ यूज होता है, जिंक का कहाँ यूज होता है, आपके एल्यूमिनियम का कहाँ यूज होता है, ब्रास का कहाँ यूज होता है ना, इन सभी के बारे में आपको बताना है किसका यूज कहाँ ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 26 अच्छा क्वेश्चन है, काफी चीजें शायद हो सकते हैं सीखने को मिले यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 26 करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, देखिए एक एक करके बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं स्टील बार की, तो स्टील बार का यूज होता है रेनफोर्समेंट के रूप में, रेनफोर्समेंट इन कॉन्क्रीट, सबको पता होगा, ठीक है। अच्छा जिंक का कहाँ यूज होता है भाई, जिंक का यूज होता है आपके कॉरुगेटेड रूफ, आपके जो शीट होती है उनमें, ठीक है। तो 3 और 4, तो ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाता है इन दो ऑप्शन के हिसाब से। अब बाकी बचे उनका भी देख लेते हैं, एल्यूमिनियम जो होता है एल्यूमिनियम का यूज कहाँ होता है, डोर फ्रेम है, डोर फ्रेम बनते हैं एल्यूमिनियम के आपने देखा होगा आजकल क्या पार्टीशन वॉल वगैरह भी बनाई जाती है ना, आपके ग्लास के जो पैनल वगैरह होते हैं उनमें यूज, क्लेडिंग वगैरह में यूज होता है। और आपका आता है ब्रास कास्टिंग, ब्रास कास्टिंग का कहाँ यूज होता है, आपके वाटर जो टैप बनाए जाते हैं वाटर टैप में इस ब्रास कास्टिंग का यूज होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, लाइम मोर्टार इज जनरली मेड विद, लाइम मोर्टार जनरली किससे बनाया जाता है, क्विक लाइम से, फेट लाइम से, हाइड्रोलिक लाइम से या व्हाइट लाइम से, लाइम मोर्टार। अब बात किसकी आ रही है, मोर्टार की आ रही है, तो मैंने आपको क्या कहा था कि मोर्टार जो बनता है वो कौन से लाइम से बनता है, वो बनता है आपके हाइड्रोलिक लाइम से। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। लास्ट अगर वीडियो देखा होगा है ना, प्रीवियस वीडियो देखे तो काफी ईजी क्वेश्चन है, ये आराम से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 आज का सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग अगर कोई सवाल है तो वो ये है आज का। और अगर आपने पुराना वीडियो मेरा देखा होगा तो पुराने वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का भी मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया था, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, लास्ट अगर वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने बताया भी था। अब मैं देखना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कौन क्या क्या बताता है, क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं किस कौन करेक्ट बताएगा। 28 का जो आंसर है वो आना स्टार्ट हो चुका है, विदाउट पेन बच्चों ने आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं कुछ लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग ए भी बता रहे हैं, 28 का ए बी सी तीनों ऑप्शन आ रहे हैं, और जो ज़्यादा बच्चे आंसर बता रहे हैं वो बता रहे हैं बी, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा, 28 का जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट बता रहे हैं, 28 का बी करेक्ट है। बताइए बताइए, बी बता रहे हैं सभी लोग, 28 का बोले बी होगा क्वेश्चन नंबर 28। सोच समझ लो, अच्छा क्वेश्चन है, यहां से काफी चीजें सीखने को मिलेगी, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आया था और अभी जो पेपर हुआ था वहां अभी राजस्थान जेईई वाला उसमें भी क्वेश्चन आया था ऐसा,
ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझते हैं देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्या इसका फॉर्मूला होगा उसको देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता है, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, दो तरह क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, दो तरह क्वेश्चन आते हैं, दोनों देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 28 का पहला क्वेश्चन, केस नंबर वन, केस वन, फाइन एग्रीगेट, टू मिक्स, मतलब आपको मैं ये कहना चाहता हूं फाइन एग्रीगेट जो है, फाइन एग्रीगेट कितना है एज कंपेयर टू मिक्स, या प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट इन इन टोटल मिक्सचर, ये मैं बोल रहा हूं, ठीक है। ये अगर मेरा स्टेटमेंट है, इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, मतलब फाइन एग्रीगेट आपको निकालना है टोटल मिक्स में कितना है, तो उसका आंसर ये होता है कि आपके पास में कोर्स एग्रीगेट का फाइननेस मॉड्यूलस कितना है, माइनस मिक्स जो होता है उस मिक्स का कितना है, कोर्स एग्रीगेट का फाइननेस मॉड्यूलस कितना है, माइनस फाइन मॉड्यूल, फाइन एग्रीगेट है उसका फाइननेस मॉड्यूलस कितना है, मल्टीप्लाई 100, इस तरह से सॉल्व किया जाता है इसको, ठीक है। आइडिया होगा इस बात का, ठीक है, इस बात का आइडिया होगा आपको, इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। सही है गलत है पहले बताओ, सही है गलत है, ऐसे ही तो करते हैं, प्रपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट टू द मिक्स इस तरह से किया जाता है। अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करता हूं तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, चलिए एक बार सवाल में चलते हैं, सवाल में देखते हैं क्या वैल्यू है। 7.6 तो मुझे दे रखा है टोटल, के फाइननेस मॉड्यूलर कोर्स के, कोर्स का कितना होता है, फाइन का कितना होता है 2.8 होता है, ठीक है, और मिक्स का 6.4 है ना, तो 7.6 माइनस 6.4, 7.6 माइनस 6.4, ठीक है, और यहां 7.6 माइनस 2.8, ये हो गया मेरा मामला, और मल्टीप्लाई हो गया 100, बताओ कितना आएगा, बताइए करेक्ट बताइए क्या आएगा, सॉल्व करने पर कितना आएगा, कोर्स में से आपको माइनस करना है मिक्स को, डिवीजन करना है कोर्स, कोर्स का फाइननेस कितना है और फाइन का कितना है, ठीक है, कितना आएगा सॉल्व करने पर, 25%। अब दूसरा ऑप्शन केस टू, केस टू, इस केस टू में क्या होता है कि अब आपको क्या करना है, कि फाइन जो एग्रीगेट होते हैं, फाइन एग्रीगेट का परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट कह सकते हो, या प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट टू कोर्स एग्रीगेट लिख सकते हो आप, कि कोर्स एग्रीगेट के में कितना होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है कि कोर्स एग्रीगेट की वैल्यू कितनी है माइनस मिक्स की वैल्यू कितनी है, अपॉन मिक्स की वैल्यू कितनी है माइनस फाइन जो है उस फाइन की वैल्यू कितनी है। तो चलिए कोर्स की वैल्यू रखिए 7.6, यहां है 6.4, ठीक है, और डिवीजन में क्या आएगा 6.4 माइनस फाइन की वैल्यू कितनी 2.8 मल्टीप्लाई 100, बताइए यहां से कितना आएगा, यहां से आएगा 33%, अप्रोक्सीमेटली 33% आप कह सकते हो, ठीक है। तो दो फॉर्मूले हैं, ठीक है, ये दो फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूलों के याद रखना। अब सवाल में चलो, सवाल में क्या था, सवाल पढ़ लेते हैं फिर आंसर बता देंगे, आंसर क्या, दो आंसर हैं, 33% वाला भी और 25% वाला भी है, दोनों याद रखना। अब चलिए सवाल में लिखा हुआ है प्रपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट, है ना, अब यहां पे लिखा हुआ है, पूरा सवाल पढ़ लो, इन द कॉन्क्रीट मिक्स द फाइननेस मॉड्यूलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज 7.6, द फाइननेस मॉड्यूल ऑफ फाइन एग्रीगेट 2.8 एंड द इकोनॉमिकल वैल्यू ऑफ द फाइननेस मॉड्यूल ऑफ कंबाइंड एग्रीगेट 6.4, देन द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट, तो फाइन एग्रीगेट का जो प्रोपोर्शन है वो प्रोपोर्शन कितना होगा, फाइन एग्रीगेट का प्रोपोर्शन कितना होगा, तो 25% उसमें फाइन एग्रीगेट है और 75% उसमें कोर्स एग्रीगेट है या नहीं है, तो 25% क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगर आपसे सवाल में जब तक आपको ये नहीं बोला जाए कि आपको प्रोपोर्शन निकालना है किसके कंपेरिजन में, कोर्स एग्रीगेट के में, तब तक आपको कोर्स एग्रीगेट का फॉर्मूला नहीं लगाना होता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चन आए, वहां से भी आप देख सकते हो, ईएस में भी क्वेश्चन आए, यहां से दोनों फॉर्मूले हैं। क्वेश्चन नंबर 29 टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज मेजर्ड बाय, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो किस मेथड से आपके क्या की जाती है, कैलकुलेट की जाती है। एक और इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक और मोस्ट कंफ्यूजिंग और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो भी था और ये वाला भी है। चलिए बताइए। अभिलेश मीणा बिल्कुल सही कह रहे थे, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर एक और सबसे कंफ्यूजिंग बड़ा क्वेश्चन है, देखो सवाल क्या है। सवाल में लिखा हुआ है टेंसाइल स्ट्रेंथ किससे चेक कैसे चेक करते हैं, कौन सा मेथड है कंक्रीट का। तो कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के हमारे पास डायरेक्ट कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि बहुत कम होती है, ठीक है। इसको इनडायरेक्टली चेक किया जाता है। तो हमारे पास में क्या है, दोनों मेथड है। एक तो है आपका डायरेक्ट टेंशन जो टेस्ट है वो तो हम कर नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं अप्लाई करते हैं लोड अप्लाई करते हैं सिलेंडर बना करके उसके लेंथ की डायरेक्शन में, सिलेंडर सिलेंडर के में, है ना। और अगर हम बात करते हैं दूसरा और कौन सा मेथड होता है, फ्लेक्सर मेथड होता है ना, फ्लेक्सर में जिसमें हम क्या थर्ड पॉइंट प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है वो करते हैं। तो फ्लेक्सर स्ट्रेंथ होती है एक, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, दो होती है आपको बताओ टेंशन की, है ना। टेंशन में दो, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट और एक होती है फ्लेक्सर स्ट्रेंथ। 0.7 अंडरूट एफ सी के वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कोड के हिसाब से, फ्लेक्सर स्ट्रेंथ वो वहां से पता चलती है, ठीक है। ठीक है बताइए 29 में क्या होगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29। 2P अपॉन पाई डी एल जो फॉर्मूला है, बिल्कुल राजेश जी सही कह रहे हैं, जो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ में काम में लिया जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो दोनों के दोनों मेथड सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों के दोनों टेंसाइल जो स्ट्रेंथ है निकालने के फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। दोनों दोनों ऑप्शन सही हैं, दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर कॉन्क्रीट सिलेंडर टू दैट 15 सेंटीमीटर क्यूब सेम कॉन्क्रीट। मतलब एक तरफ आपके पास में सिलेंडर होगा जिसकी साइज है 15 इंटू 30 और दूसरी तरफ आपके पास में 15 सेंटीमीटर का क्या है क्यूब है। तो आपको क्या करना है, इनकी क्या करना है, इनकी स्ट्रेंथ का रेशियो बताना है ना। या आप ये कह सकते हो कि इनकी जो स्ट्रेंथ होती है इनके रेशियो या इनके परसेंटेज में क्या रिलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 अब ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका, आराम से कर सकते हो। देखो पहले तो ये याद करो कि सिलेंडर की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है क्यूब की होती है। बोले सर सिलेंडर की ज्यादा होती है ना या क्यूब की ज्यादा होती है, नालायको किसकी ज्यादा होती है, क्यूब की ज्यादा होती है। तो अगर क्यूब की स्ट्रेंथ ज्यादा है और सिलेंडर ऊपर है, ठीक है, तो यानी कि आंसर जो आएगा वो एक से कम आएगा। एक से कम आंसर कितने हैं, दो हैं, एक तो सी है और एक डी है। हमें पता है जो डिफरेंस आता है इनका, वो डिफरेंस कितना आता है, डिफरेंस कितना था 20 से लेकर के 25% आता है। तो अब ऑप्शन जो है ऑप्शन के हिसाब से हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो बचता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या बचता है, ऑप्शन नंबर सी बचता है, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। ठीक है अब तुमसे मैं पूछूं कि एक्चुअल में आंसर क्या आता है, एक्चुअल में आंसर आना चाहिए था यहाँ पर 0.80, यानी 20% जो है, 20% जो है स्ट्रेंथ उसका डिफरेंस आना चाहिए था, ठीक है, क्यूब की ज्यादा होती है, ठीक है। 0.85 नहीं होना चाहिए, तो 0.80 होता तो ज्यादा सही था वो। अब लेकिन हमारे पास ऑप्शन है, अब ऑप्शन के हिसाब से हमें कुछ ना कुछ तो आंसर देना पड़ेगा ना, इसलिए ओके बात समझ में आई। ठीक है वेरी गुड वेरी गुड। चलिए चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब एक बात बताओ क्वेश्चन जो है, कई बार क्वेश्चन क्या होता है कंक्रीट में, यहाँ जो ग्रेड्स होती हैं उन ग्रेड के बारे में भी पूछ लिया जाता है, अलग अलग ग्रेड के बारे में पूछ लेते हैं, या जब बैचिंग वगैरह जब की जाती है बैचिंग वगैरह के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो एक सवाल पूछता हूँ और अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ का डेटा जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रेडी हैं, रेडी हैं। देखो सवाल क्या है, ध्यान से समझना, सवाल क्या है ध्यान से समझना। मैं ये कह रहा हूं कि जब बेचिंग की जाती है, ठीक है, जब बेचिंग का जो प्रोसेस होता है, जब बेचिंग की जाए, बेचिंग का मतलब क्या होता है कि आपको जब मिक्स करना है ना अलग अलग प्रोपोर्शन सीमेंट को और सैंड को और आपके किसको एग्रीगेट को, कोर्स एग्रीगेट को, यानी फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट और सीमेंट को जब मिक्स किया जाता है वाटर के साथ में, तो कितने कितने प्रोपोर्शन करना है, उनका वेट वगैरह किया जाता है ना, बेचिंग की जाती है। जब बेचिंग की जा रही है तो मेरा सवाल यह है कि एग्रीगेट और एडमिक्सचर और वाटर को जब मेजर किया जाता है, जब उनको मिक्स किया जाता है, तो कितनी एक्यूरेसी रखी जाती है बेचिंग क्वांटिटी में, बताइए। एग्रीगेट मिक्सचर, एग्रीगेट एडमिक्सचर और वाटर, कितनी एक्यूरेसी तक आपकी क्या है बेच किया जाता है, बेचिंग की क्वांटिटी जो होती है कितनी एक्यूरेसी होती है उसकी,
रोहन शर्मा राजस्थान, रोहन शर्मा जी राजस्थान जीके की क्लास शाम को 6 बजे होती है यूजुअली, लेकिन आज की जो क्लास है राजस्थान जीके की वो शायद 8 बजे होगी, आज कुछ समस्या है उस वजह से आज क्लास 6 बजे नहीं हो पाएगी। ठीक है, बताइए कितना होता है। तो ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लस माइनस 3% एग्जाम में क्वेश्चन आया यहाँ से ना, प्लस माइनस 3% एक्यूरेसी रखी जाती है बैचिंग में, सवाल चेंज हो जाता है। ये पहला सवाल था, सवाल चेंज हो जाता है। अब सवाल पूछा जा रहा है आपसे, जब आप क्या करते हैं सीमेंट है, सीमेंट में कितनी एक्यूरेसी रखी जाती है ना, तो सीमेंट में रखी जाती है प्लस माइनस 2% की। ठीक है, तो एक्चुअल में क्वेश्चन आता है एग्रीगेट की कितनी होती है, तो एग्रीगेट की प्लस माइनस 3, और सीमेंट की कितनी होती है, सीमेंट की होती है, ऐसे याद रख लो आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, प्लस माइनस 2% और प्लस माइनस 3%, ओके, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। अच्छा, दूसरा सवाल आपसे, दूसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि मिनिमम जो ग्रेड होती है, मिनिमम ग्रेड जो होती है वो कितनी होती है। तो मैं सवाल बोल रहा हूँ, जवाब तभी देना जब मैं क्वेश्चन पूछूँ आपसे। ठीक है, क्वेश्चन है मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट की मिनिमम जो ग्रेड होती है वो कितनी होती है बताइए। मिनिमम ग्रेड जो है कॉन्क्रीट की कितनी होती है। अब सवाल आता है एज पर IS 456/1978, ये स्टेटमेंट भी मैं ऐड कर रहा हूँ 1978 वाले कोड के हिसाब से। अब बताइए आंसर क्या होगा। तो आंसर आ जाता है M15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओल्ड कोड से क्वेश्चन आते हैं। और अगर कोई बोल दे एज पर IS 456/2000, तो उस केस में आपके पास में आंसर होना चाहिए M20, M20 मिनिमम ग्रेड होती है। तो M15 और M20 दो होती हैं, अगर आपको कोड मिलेगा उस कोड के बेसिस पर आप बताएंगे, कोड मिलेगा उस कोड के बेसिस M20 कब होगी और M20 कब होगी और M15 कब होगी। ठीक है, दोनों आपको याद रखने, इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, कल मैंने आपको एक डेटा बताया था, देखते हैं कितना बच्चों को याद है। बताइए लाइम सेचुरेशन फैक्टर LSF की वैल्यू 53 ग्रेड जो होती है सीमेंट की उसके लिए कितनी होती है, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है बताइए। लाइम सेचुरेशन फैक्टर जो होता है 53 ग्रेड का कितना होता है, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है उसकी, मिनिमम वैल्यू बताइए लाइम सेचुरेशन फैक्टर की। मैंने कल की क्लास में आप मतलब सैटरडे की क्लास में मैंने आपको ये बताया था। अब मैं जो डेटा बताता हूँ आप कितना याद रखते हो, ये भी एक सवाल है, इसलिए मैं पूछता हूँ। मैंने कल लास्ट क्लास में बताया था कितने बच्चों को याद है बताइए। 53 ग्रेड के लिए लाइम सेचुरेशन फैक्टर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है बताइए। कोड अगर मेंशन नहीं होता है अक्षिता शर्मा जी, तो न्यू कोड लिया जाता है बाय डिफॉल्ट, नए कोड के हिसाब से देख लो। कई लोगों ने सही बताया, कई लोगों ने गलत बताया है, कल ही बताया था, बहुत बढ़िया, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, जानकर खुशी हुई, हर्ष उल्लास के साथ में मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आप लोग चीज़ें भूल रहे हो बताने के बावजूद भी। 0.8 बताई थी रेंज, बताई थी मैंने 1.02 से लेकर के 0.853 ग्रेड के लिए, और 4333 के लिए मैंने बताया था 1.02 से लेकर के 0.66 होती है LSF की वैल्यू। एग्जाम में आया है, नालायकों जो बोलता हूँ उसको याद कर लिया करो, एग्जाम में आया था, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया था, है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना। अब ये सवाल आता है कई बार कि जब हम विकेट ऑपरेटर्स जो होता है, जिसके आपको जानकारी होगी कि विकेट जो होता है विकेट को यूज़ किया जाए इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए, फाइनल सेटिंग टाइम के लिए और कंसिस्टेंसी के लिए, ठीक है, इनके लिए विकेट का यूज़ करते हैं। अब विकेट में क्या होती है, आपके निडल यूज़ में ली जाती है, ठीक है, निडल यूज़ में ली जाती है निडल। अब सवाल आपसे यह है कि जो निडल यूज़ में ली जा रही है किसमें, इनिशियल सेटिंग टाइम में IST में, तो इसके लिए जो निडल होती है उस निडल की शेप कैसी होती है बताइए, निडल की जो शेप है वो कैसी होती है और उसकी साइज क्या होती है, साइज और शेप के बारे में बताइए इनिशियल सेटिंग टाइम में जो आप लेते हैं, ठीक है। और फिर दूसरा सवाल, ये तो पहला सवाल है, और दूसरा सवाल फाइनल सेटिंग टाइम में जो साइज और शेप होती है निडल की वो बताइए। चलिए फटाफट बताइए कमेंट करके क्या होती है, फटाफट बताइए। देखो इनिशियल सेटिंग टाइम में जो शेप होती है वो होती है स्क्वायर और साइज होती है 1 mm, ठीक है, और फाइनल सेटिंग टाइम जब किया जाता है तो फाइनल सेटिंग टाइम में इसकी वैल्यू होती है 5 mm, क्या होती है 5 mm, ठीक है ना। और रिंग, एंगुलर रिंग इसमें क्या यूज में लेते हैं, एनुलर जो रिंग होती है वो एनुलर रिंग काम में ली जाती है, ठीक है, जब इसको चेक किया जाता है तो ये देखा जाता है कि उसका कितना डिप्रेशन वहां पर आ रहा है नहीं आ रहा है, वो वहां पर निशान छोड़ रहे हैं नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। एक और सवाल, अगर ये तो इनिशियल सेटिंग फाइनल सेटिंग हुआ और कंसिस्टेंसी के लिए कहते हैं, तो कंसिस्टेंसी के लिए प्लंजर होता है 10 mm वाला, वो 10 mm का प्लंजर काम में लेते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट में, ठीक है। विकेट के 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एनुलर कॉलर रिंग काम में लेते हैं ना, मोहन कुमावत, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए
एक और इम्पोर्टेंट सवाल आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब इनिशियल सेटिंग टाइम जब टेस्ट किया जाता है, फाइनल सेटिंग टाइम जब किया जाता है, तो यहाँ पर जो मोल्ड लिया जाता है ना, उस मोल्ड में क्या होता है, उस पेस्ट को रखा जाता है। तो जो पेस्ट बनाया जाता है, यानी आप सीमेंट मिक्स कह सकते हो, सीमेंट का जो मिक्स बनता है उसमें वाटर कितना ऐड होता है इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी, कितना वाटर ऐड होता है? तो वो ऐड होता है 0.85 पी, इतना वाटर ऐड किया जाता है। और साउंडनेस में कितना होता है? 0.78 पी होता है। और टेंशन में, टेंसाइल टेंस में कितना होता है, कंप्रेशन कितना होता है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, वो भी याद रखना, ठीक है। न्यू टेस्ट सीरीज कब आएगी? पद्माराम चौधरी जी, न्यू टेस्ट सीरीज ऑलरेडी आई हुई है। राजस्थान जी के रोहन शर्मा जी, एक दो क्लास हो चुकी है राजस्थान जी के वाली, शाम को 6 बजे, ठीक है। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्जाम में काफी बार रिपीट हुए हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया का, जिसकी यूनिट होती है, यूनिट भी कई बार पूछे थे, मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, ये इसकी यूनिट होती है स्पेसिफिक सरफेस एरिया की। तो पूछा जाता है कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ओपीसी का कितना होता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया, कमेंट करके बताइए। मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम में ओपीसी का स्पेसिफिक सरफेस एरिया कितना होता है, बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा? फायर रेजिस्टेंस का करेक्ट आंसर सर एबल प्रोसेस जो बताया था वही होगा। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने सही बताया है, कुछ लोग अभी भी गलत दे रहे हैं। देखो सबसे पहली चीज तो ये कि रटा मत करो, नलायकों की तरह 2250 बता रहे हो तुम, नलायकों की तरह 2250 बता रहे हो। अरे किलोग्राम जो है यहाँ पे आंसर जो पूछा वो मीटर स्क्वायर वाला है, सेंटीमीटर स्क्वायर वाला नहीं है, तो यहाँ पर आएगा 225, यही तो फर्क पड़ता है रटने का। यूनिट भी तो देखो, इसलिए मैंने यूनिट मैंने मेंशन की वहां पर। अच्छा ये तो बात हुई 225 ओपीसी के लिए, पीपीसी के लिए कितनी होती है, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट के लिए वैल्यू कितनी होती है, उसके लिए होती है 300। लेकिन अब जो मैं पूछने जा रहा हूं थर्ड नंबर पे, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में काफी बार पूछी गई है, वो है आपकी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए कितनी होती है। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए वैल्यू कितनी आती है, रैपिड हार्डनिंग के लिए वैल्यू होती है 325 सबसे ज्यादा, ये 325 है इन तीनों के कंपेरिजन में, और ये इंपॉर्टेंट भी एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपने देखा भी होगा ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक मैं रिलेशन बता रहा हूं आपको, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, के कितना है यहां पर, इस रिलेशन में के कितना है आपको कमेंट करके बताना है। एफ सी टी इज इक्वल टू के एफ सी आर, यहां पर आपको बताना है। एफ सी आर क्या है, ये फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ है आपकी, फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ है कॉन्क्रीट की, ठीक है। और एफ सी टी क्या है, देखो एक तो होती है एफ सी आर फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ, ठीक है, एक होती है आपके स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, एक होती है स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ और एक होती है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, तीन होती हैं। तो यहां पर आपके स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ और आपके फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ, इन दोनों में क्या है रिलेशन बताना है, के कितना, के की वैल्यू यहां पर क्या होगी, बताइए। के की वैल्यू कितनी, अब तक सभी लोगों ने गलत बताया। मैं ऑनलाइन कब आता हूं, अभी मैं ऑनलाइन ही हूं रतनदीप कुमार जी, अभी मैं ऑनलाइन ही हूं और ऑनलाइन का टाइमिंग है 11:00 बजे और 6:00 बजे। चलिए देखिए एफ सी टी 0.66 एफ सी आर, ये रिलेशन है, 0.67 भी अगर बता रहा है कोई तो कोई गलत नहीं है, वो भी सही माना जाएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब मैं आपको रिलेशन रिकॉल कराता हूँ, रिलेशन क्या क्या है, किस किस स्ट्रेंथ क्या होती है। देखो सबसे पहले तो देखो कि एफ सी आर जो होता है, एफ सी आर ज़्यादा होता है, ठीक है, और सबसे टॉप में बात करो तो एफ सी के तो है ही टॉप में, सबसे एफ सी के, फिर एफ सी आर, फिर आता है आपके स्प्लिट एफ सी टी, फिर आपकी वैल्यू आती है एफ डी टी। एफ डी टी मतलब ये है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये डायरेक्ट है, ठीक है, ये डायरेक्ट वैल्यू है और सबसे कम यही होती है।
अब इनके रिलेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, एफ सी के बारे में, एफ सी आर के बारे में। देखो एफ सी आर जो होता है वो होता है 0.7 टाइम्स अंडर रूट एफ सी के, ठीक है, एफ सी के। ये एफ सी आर निकालने का एक तरीका हो गया आप ये कह सकते हो, ठीक है। और अगर इसी को कंपेयर करते हैं फिर किससे, एफ सी टी से, एफ सी टी को और एफ सी आर को, तो ध्यान रखना एफ सी टी स्प्लिट की वैल्यू होती है 0.66 टाइम एफ सी आर। अब मैं आपको स्टेटमेंट बोल करके भी बताऊंगा, अगर मुझे बोल करके बताना हो कैसे कर सकते हैं। और ये बराबर होता है 2p अपॉन पाई डी एल के। ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में काफी बार ये भी पूछा गया है। अब एक और रिकॉल कीजिए कि डायरेक्ट स्ट्रेंथ कितनी होती है, अगर ये सवाल है तो एफ डी टी जो होती है, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है कॉन्क्रीट की, वो होती है 50% से लेकर के 0.5 से लेकर के 0.625 ऑफ एफ सी आर, ठीक है। तो अब मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, उसको ध्यान से समझना। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के अगर हम कंपेयर करते हैं तो वो 50% से लेकर के 62.5% के बीच में होती है, ठीक है। और स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के 66% होती है या 67% होती है, ये आप याद रखना, ठीक है। ये किससे कंपेयर कर रहे हैं, एफ सी आर से। और अगर आप कंपेयर करते हो किससे, आप कंपेयर करो एफ सी के से स्ट्रेंथ की, टेंसाइल स्ट्रेंथ की, तो 10 से लेकर के 15% के बीच में होती है वो, ओके। तो 4-5 अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं यहां से, सबके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे अगर आपको क्वेश्चन मिलता है और आपसे पूछा जाता है, अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो आपसे मैंने ये बोला कि अगर आपको बताना है कि 12 मंथ की यानी कि 1 ईयर की जो स्ट्रेंथ होती है कॉन्क्रीट की, वो आपके 28 डेज की जो स्ट्रेंथ होती है उसके मल्टीप्लाई के होती है, तो इस के की वैल्यू कोई बता सकता है कि के कितना होता है, 28 दिन की स्ट्रेंथ का कितने गुना होती है, कितने गुना वो बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 28 डेज की स्ट्रेंथ आपकी एक्स टाइम है, एक्स है 28 दिन की, तो ये एक साल बाद इसकी, 1 ईयर के बाद में इसकी स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, एक्स में कितना मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो कितना होगा, लगभग कितना होता है ये, अप्रोक्सीमेटली 55% बढ़ जाती है, कितनी 55% इंक्रीज हो जाती है। तो आप 1.55 यहां पे लिख सकते हो, कितना 1.55 आप लिख सकते हो, 28 दिन की स्ट्रेंथ से आप इंक्रीज कर रहे हो, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो कितनी बढ़ जाती है। अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से क्वेश्चन बनता है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। लगभग 50% या 55% के आसपास बढ़ जाती है। क्वेश्चन आता है 2 महीने में कितनी बढ़ जाती है, 2 महीने में लगभग 10% के आसपास बढ़ जाती है ना। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन है, लैंग्वेज में कंफ्यूज मत होना देखो। और हाँ, क्यूब वाला उसका तो मैंने बता ही दिया आपको, क्यूब की जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है 1.25 टाइम्स ऑफ सिलेंडर स्ट्रेंथ, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो क्यूब और इसके बारे में याद रखना, जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन पूछा भी था आपसे, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। क्यूब की स्ट्रेंथ और सिलेंडर की स्ट्रेंथ में ये डिफरेंस है, ओके। चलिए तो समय सीमा आज की जो है वो समय सीमा आज की यहीं समाप्त होती है। अब हमारी मुलाकात होगी कल का समय वही सुबह 11 बजे हमारी मुलाकात होगी। कल क्या होगी, कल की क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि कल बीएमसी के मिक्स एडवांस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एडवांस क्वेश्चन होंगे जिनका लेवल थोड़ा क्या होगा, लेवल हाई रहने वाला है, कल वाले क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई होगा, ठीक है। जैसे आज लास्ट में कुछ क्वेश्चन मैंने पूछे थे, इसी तरह क्वेश्चन आएंगे जहां या तो कंफ्यूजन होता है या फिर हमें डाउट होता है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कल, ओके। चलिए तो वीडियो अगर आपको जैसे अच्छा लगा है तो वीडियो आप चाहें तो लाइक भी कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अगर इच्छा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ऐसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। बाकी तो आप पढ़ाई वढ़ाई करते रहो, आप प्रॉपर वे में पढ़ाई करो अच्छे से, ज़्यादा समय बचा नहीं है एग्ज़ाम का, ठीक है। और जो इवनिंग की जो क्लास है, इवनिंग की क्लास शाम को 6 बजे, वो 6 बजे ना हो करके वो थोड़ी आगे होगी, 7 या 8 बजे होगी, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। 6 बजे की क्लास 7 या 8 बजे होगी तो वो मैं टेलीग्राम पर भी मैं बता दूंगा, जीके की क्लास का टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा, ओके। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।